हेलो एवरीवन, मैं धीरज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं 9 मार्च की फोर्थ शिफ्ट को। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या है, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सिक्स ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 6 4 36, 2 4 6 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 8, क्योंकि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ए क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहित एंड रोहित ने 4400 रुपए में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है और रोहित अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे काम एक साथ करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी काम को साथ में किया जाता है तो जो इनको अमाउंट मिलता है वो इनकी इफिशियंसी के रेशियो में मिलता है। तो मोहित किसी काम को 10 दिन में करता है, रोहित उस काम को 15 दिन में करता है। इनका एलसीएम 30 आएगा, 10 30 30 15 2 9 30, उनकी इफिशियंसी कितनी होगी, 3 और 2। इसका मतलब कि रोहित को तीन यूनिट मिलेगी और मोहित को 3 यूनिट मिलेगी, रोहित को 2 यूनिट मिलेगी, और टोटल 3 और 2 5। 5 की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में 4400 दी है और हमसे पूछा गया है कि यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि का अंतर कितना होगा। हमें इन दोनों का अंतर पूछा, यानी एक की वैल्यू पूछी। एक की वैल्यू क्या होगी, 4400 डिवाइड बाई 5, 5 8 40, 5 8 40, 0। तो 880 रुपए उनको मिलेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसके क्रय मूल्य में 5 की कमी की जाती है, विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है, वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है। यहां पर हम ले लेते हैं सीपी, यहां पर एसपी। कह रहा है कि 10% की हानि, इसका मतलब 10 की चीज को 9 रुपए में बेचा जाता है, फिर कहता है कि 10% का लाभ होता है, 10 की चीज को 11 रुपए में बेचा जाता है। सीपी में कितने की कमी की जा रही थी, 5 रुपए की कमी। एसपी में कितने की वृद्धि की जा रही थी, 8 रुपए की वृद्धि। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 11 10 110, 9 10 90, 110 में से 90 के 20, इस 20 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 10 80 और 5 से 11 55 प्लस 55 इसके बराबर होगी। तो 20 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 135। अब हमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, पूछा कि वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, हमें 9 की वैल्यू पूछी है। तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 9/20 × 135, तो यहां से हो जाएगा 9 5 45 की 5 4 हो जाएगा 13 9 117 4 121 डिवाइडेड बाय 220। तो यहां से हो जाएगा 1215 डिवाइडेड बाय 20। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12 0, 2 7 14, 2 5 10, 10 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर इसका आ जाएगा। तो हमारे पास इसका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि साइन बी बराबर कॉस ए बराबर 0 है, साइन बी माइनस कॉस ए बराबर 0 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। इसमें दिया है कि साइन बी माइनस कॉस ए बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया, साइन बी बराबर है कॉस ए के, और जब कभी भी साइन कॉस के बराबर होता है तो इसका मतलब होता है कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फेमस रिजल्ट है, तो हम डायरेक्टली यहां से कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 90। और जिसको समझ में ना आया उसको मैं थोड़ा बेसिक से बता देता हूं कि साइन बी बराबर यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो साइन बी, इस कॉस ए को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, तो साइन साइन हट जाएंगे, तो यहां से बचेगा बी इक्वल टू 90 माइनस ए, तो यहां से आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 90। या तो आप रिजल्ट को याद रख लें या फिर आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है, यदि इन 9 विषम संख्याओं को कि पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कह रहा है कि 9 विषम संख्याओं का औसत 27 है, इसका मतलब यहाँ 4 यहाँ 4 और ये बीच वाली संख्या क्या होगी, 27 होगी, क्योंकि एवरेज हमेशा मिड वाली वैल्यू होती है जब किसी कॉन्जुगेटिव नंबर्स की बात की जाए। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पर एक नंबर बढ़ा देते हैं और सेम नंबर यहाँ बढ़ा देते हैं, ऑड यहाँ पर एक नंबर बढ़ाया, इसके आगे वाला ऑड नंबर यहाँ, इसके पीछे वाला ऑड नंबर बढ़ा देते हैं, तो इसका एवरेज क्या होगा। फिर यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएंगी, 5 संख्या हो जाएंगी, यहाँ पर भी 5 संख्या हो जाएंगी, और एवरेज हमेशा मिड वाली वैल्यू होती है, तो उस केस में यहाँ पर नया वाला जो एवरेज होगा फिर भी हमारा 27 ही रहेगा, तो इसका आंसर 27 ही हो जाएगा।
क्योंकि एवरेज हमेशा मिड वाली वैल्यू होती है। यहाँ पर फिर पांच संख्या बन जाएंगे, यहाँ पर पांच संख्या बन जाएंगे, और ये बीच वाली संख्या क्या रहेगी हमारी 27 ही रहेगी। इस तरीके से इसका आंसर 27 आ गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर x सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, P एंड S आर द पॉइंट ऑन लार्जर सर्कल एंड Q एंड R आर पॉइंट ऑन स्मॉलर सर्कल। इफ पी क्यू आर एस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड क्यू आर बराबर 440, ये 40 है, 40 सेंटीमीटर एंड पी एस बराबर 48 सेंटीमीटर, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू पूछो, x 26 सेंटीमीटर से कम है। इसका मतलब कि x एक इनर सर्कल है और जो 26 सेंटीमीटर वाली रेडियस है वो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है। मान लेते हैं कि सर्कल हमारे इस तरीके से है, ये इनर सर्कल है, ये हमारा आउटर सर्कल है और ये इन दोनों का सेंटर है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक स्ट्रेट लाइन है, पी और एस बाहर वाले सर्कल पर है, क्यू और आर अंदर वाले सर्कल पर है। कह रहा है कि पी एस बराबर 48 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की लेंथ हमारी कितनी है 48 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर यहां से यहां तक हमारे 40 सेंटीमीटर है। हमें बड़े सर्कल की रेडियस दी है, ये वाली वैल्यू हमें दी है 26 सेंटीमीटर। अब यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। पीएस एक बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड होगी, इसका मतलब 48 का आधा यहां से यहां तक हमारे पास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यदि ये 26 है ये 24 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस से लगाएंगे या फिर हम एक ट्रिपलेट देख सकते हैं, ये क्या है और इसमें से दो से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 13 12 ये 5, तो यहाँ पर 5 होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर ये 26, 24 और 10, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, 10 वैल्यू निकल के आएगी। अब इसके बाद हमें रेडियस निकालनी है, तो इनर वाली सर्कल की रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमें 10 दी है और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्यू आर एक कॉर्ड है छोटे वाले सर्कल की और इसकी वैल्यू हमें 40 सेंटीमीटर दी है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, ये हमारे छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, ये 10 है, ये 20 है, तो यहाँ पर देख सकती है 10 10 कॉमन आ रहा है, 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 से कितने बार जाएगा ये 1 बार, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से r की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10√5 आ जाएगी, ये हमारा r की वैल्यू होगी। या फिर हम डायरेक्टली पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं, मैंने इसको कॉमन लेके किया, लगा यहाँ पर भी पाइथागोरस ही है, जैसे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये 400 हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा अंडर रूट में 500, यहाँ से 5 × 100 जैसे लिख सकते हैं, 10 इसमें से बाहर आ जाएगा 10√5, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली मैंने 10 बाहर ले लिया था, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत भार कितना, 30 kg 36 kg है। यदि लड़कियों की औसत संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का दुगनी है, यहाँ पर अगर हम देखें ये मान के चलो गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की कितनी है दुगनी है, लड़कों की संख्या 1 है तो लड़की की संख्या 2 है, और कह रहा है कि लड़कियों का औसत भार कितना 30 kg है, लड़कों का औसत भार 36 kg है, तो औसत भार बताना कितना होगा, सभी का औसत भार कितना होगा। तो मान लेते हैं कि औसत भार 30 है, तो 30 कितना ज्यादा है, 36 कितना ज्यादा है 30 से, 6 ज्यादा है, कितने पर 1 पर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 2 + 1 = 3, तो यहां से हम देखेंगे तो 30 + 3 से जाएगा 2 बार, तो यहाँ आएगा 2, तो ये हो जाएगा 32, यानी कि एवरेज जो वेट आएगा सभी का वो आएगा 32 kg, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें तो दिया है 10f की वैल्यू 15/8, तो पूछा है साइन एफ प्लस कॉस एफ की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे राइट एंगल एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये एंगल f है, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 15 17, ये एक ट्रिपलेट होता है, तो साइन एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 15/17, कॉस एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/17, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 8 23 23/17, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा इसका, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 4180 है, यदि वार्षिक ब्याज दर 20% है तो धनराशि कितनी है। इसमें हमें रेट दिया है, एनुअल रेट जो है 20% है, तो 2 साल की जो रेट होगी वो क्या होगी x + y + xy/100। इस फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो 2 ईयर की रेट के निकल के आएगी 20 + 20 + 20 × 20 = 400/400, तो यहाँ से आएगी 40 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 यहाँ बचेगा, तो 44% इसकी रेट निकल के आएगी 2 ईयर की, कंप्लीट 2 ईयर की रेट निकल के आएगी 44%। अब हमसे कह रहा है कि
एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 4180, यानी कि प्रिंसिपल का 44% हमें कितना दिया है? 4180 दिया है। तो ये 11 से जाएगा 4 बार, 11 से जाएगा 11 33, 11 88 0, और 4 से ये जाएगा 4 नाम 36, 4 5 20। तो 1% की वैल्यू, प्रिंसिपल के 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95 आ जाएगी। तो प्रिंसिपल के 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 9500। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जीव सीडी द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री है, सेंटर पर जीवा 180 डिग्री बना रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जीवा जो होगी कॉर्ड सेंटर से होकर पास होगी और एंगल 180 डिग्री बनाएगी और स्ट्रेट लाइन होगी बिल्कुल, क्योंकि ये सेंटर से पास कभी स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या होगा, यही कॉर्ड इसकी डायमीटर होगी। कॉर्ड और डायमीटर इस केस में क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। अब यहां पर वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 14। तो ये 14 होगा और ये भी 14 हो जाएगा, यहां से यहां तक 14 और यहां से यहां तक 14 हो जाएगा। अब हमसे पूछा कि सीडी की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि सीडी हमारी क्या थी? कॉर्ड थी। सीडी की लंबाई यहां से क्लियरली कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल वाई 90 है। कोई ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, यहां पर ये क्या है? 90 डिग्री है। कह रहा है कि वाई एन परपेंडिकुलर है एक्स जेड के, वाई एन एक्स जेड पर परपेंडिकुलर है। ये यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है कि एक्स वाई हमारा कितना है? 30 सेंटीमीटर। एक्स जेड हमारा कितना है? ये 34 है। तो यहां से अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 15 हो जाएगा, यहां से 2 करें 17 हो जाएगा, और एक ट्रिपलेट होता है हमारा 8 15 17, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया था तो हमारे ट्रिपलेट बनने थे 8 15 17। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 16। इसका मतलब ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये 16 सेंटीमीटर होगी, तभी ये 34 सेंटीमीटर आएगा पाइथागोरस से। तो यहां पर कह रहा है कि वाई एन की लंबाई कितनी होगी, वाई एन का मान कितना होगा? तो वाई एन का मान क्या होगा? वाई एन बराबर होगा एक्स वाई इंटू वाई जेड अपॉन ये वाली वैल्यू एक्स जेड। तो यहां से हम वाई एन बराबर निकालेंगे, हमारा आएगा 30 इंटू 16 बटे 34। 2 से 17 टाइम जाएगा, 2 से जाएगा 8 बार, तो यहां से हो जाएगा 240 अपॉन 17। ये हमने यहां पर फॉर्मूला लगाया है, अगर आप सोच रहे हो तो ये क्या था? ये फॉर्मूला था। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन 9 से डिविजिबल है, तो एक्स का मान क्या है ये बताना है, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसका डिजिट सम जो होगा 9 से डिविजिबल होगा। 7 प्लस 2 9, ये 0 हो जाएगा। 5 4 के संग मिलकर 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 होनी चाहिए। 8 प्लस 1 मिलकर 9 बनाएंगे, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 8 आएगी। फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में, ये सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना है? 9800। सबसे बड़ी संख्या 5, सबसे छोटी संख्या 3, इनका सम कितना दिया? 7। 7 की वैल्यू दी है यहाँ पर 9800। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? 5 में से 2 गए 3, 3 की वैल्यू हमसे पूछी है, 3 की वैल्यू पूछी है, 3 की वैल्यू कितनी होगी? 7 की वैल्यू हमें कितनी थी? 9800। तो 7 से जाएगा 1400 टाइम्स और 14 42, तो ये आ जाएगा 4200, यही इसका आंसर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग नंबर सक्सेसिवली बाय 20% एंड 30%, इट इज डिक्रीज बाय 22%, रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू। सबसे पहले अगर हम किसी संख्या को 20% और 30% बढ़ाएंगे तो क्या आएगी? 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। ये हमने ये फॉर्मूला लगाया, सक्सेसिव जब हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो फॉर्मूला लगता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो यहाँ से आ जाएगा ये 20 30 50 50 और 6 56, यानी कि जब हम किसी संख्या को 20 और 30% सक्सेसिवली बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू 56% अपनी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ से हम डायरेक्टली देखें, अगर मान के चलो वो ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, हमने क्या किया उसको 56% बढ़ा दिया, तो उसके बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। अब कह रहा है कि हमने उसे 56% बढ़ाने के स्थान पर उसे 22% घटा दिया, इसका मतलब 100 में से 22% जाएगा, तो कितना बचेगा? 78% बचेगा। अब यहां से हम इनका रेशियो लेते हैं तो 70
टू से ये टू टाइम्स चला जाएगा, टू रेशियो वन आ जाएगा। अब कह रहा है कि परिणामी मूल्य सही मूल्य का कितना प्रतिशत है, परिणामी मूल्य क्या था हमारा वन, सही मूल्य क्या था टू, तो वन टू का कितना प्रतिशत है, तो यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 50% है, तो हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। कह रहा है कि 15 की वस्तु को हमने कितने में बेचा, 8 में बेचा, ये उसकी एमपी है, ये उसकी एसपी है। अब कह रहा है कि 20% की हानि होती है, हानि का मतलब हो गया 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 की चीज को हमने कितने में बेचा, 4 में बेचा, क्योंकि यहाँ पर एसपी हमारी 8 है, यहाँ पर 4 है, तो इनको इक्वल होना पड़ेगा, इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी सीपी एसपी और यहाँ पर एमपी, सीपी हमारी 10 होगी, एसपी 8 होगी और एमपी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब यहाँ से उसमें कह रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात, एमपी अपॉन सीपी की वैल्यू पूछी है, एमपी कितना हमारा 15, सीपी हमारा 10 है, 5 से 3 बार 5 से 2 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:2, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी ट्रायंगल आरएसटी में भुजा एसटी पर बिंदु जेड है और एसजेड बराबर जेडटी है, यदि एंगल आरजेडएस बराबर 90 डिग्री, आरएस बराबर 10 सेंटीमीटर और आरटी का मान पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा आर दिया, ये एस दिया, टी दिया है। कह रहा है कि जेडटी जेडएसटी पर एक बिंदु है और एसजेड जेडटी के बराबर है, इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा जेड, और आरजेडएस इसको हम इससे मिला देते हैं। कह रहा है कि आर जेड एस ये एंगल क्या है 90 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 ये इस पर परपेंडिकुलर है और यही इसका मीडियन है, इसका मतलब हो गया कि ऑल्टीट्यूड बराबर हो गया मीडियन के। जब किसी ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड मीडियन अगर एक ही होते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली लेंथ जो होगी इस वाली लेंथ के बराबर होगी। अब आरएस बराबर हमें इस क्वेश्चन में दिया 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब आरटी की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर होगी और क्वेश्चन में हमसे आरटी का मान ही पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 29 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है, तो 4xy की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy और यहाँ से बनेगा 3×3 9, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी 29, 29 माइनस 2xy बराबर हो जाएगा 9, तो 2xy की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9, इधर जाएगा 20 और 4xy की वैल्यू क्या आएगी फिर 40, तो हमारा इसका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दो ट्रेनें इतने 125 मीटर और दूसरी 375 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 81 किलोमीटर/आवर और 63 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही हैं, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो जो टाइम होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि वो विपरीत दिशाओं में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगा 3 और 1 4 और 8 6 14 144 हो जाएगा 144 किलोमीटर/आवर। अब इसको जब हम उसमें चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18 18 8 144 8.40, तो ये हो जाएगा 40 मीटर/सेकंड। अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 125 प्लस 375 अपॉन 40, तो यहाँ से हो जाएगा 500 अपॉन 40, तो यहाँ से जाएगा 50/4 कितना हो जाएगा 12.5, टाइम हमारा कितना हो गया 12.5 सेकंड हो गया, तो थर्ड ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 194 है, हमसे पूछा है कि a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन a क्यूब, इसको हम अगर a क्यूब से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बनेगा a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, यानी कि हमसे a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू पूछी है और यहाँ पर हम 2 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 196 बन जाएगा जो 14 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आएगी 14। अब अगेन यहाँ पर हम 2 ऐड कर देते हैं तो a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और यहाँ पर ये 16 हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k, यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर k है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा k की वैल्यू कितनी 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 3 12, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 52 आएगी, और थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि ट्रायंगल PQR एक समकोण त्रिभुज है, एंगल Q बराबर 90 है, PQ दिया, QR दिया है, cot P माइनस tan R की वैल्यू पूछी है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है, PQR यहाँ पर ये एंगल 90 दिया है, PQ बराबर 12 है, QR बराबर 5 है, तो ये 13 होगा। अब cot P की वैल्यू क्या होगी, cot P की वैल्यू क्या होगी 12/5 और tan R की वैल्यू क्या होगी 12/5, तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, हमें निकालना है ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, अब 18 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो दो बचेगा, दो का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 अपॉन 4 थी 12, 12 को 36 से 12 को जब डिवाइड करेंगे, 36 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3, तो ए की वैल्यू 10/3 आ जाएगी हमारे पास। अब बी की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड को हम नीचे ले जाते हैं, सबसे पहले 5/15 इंटू 5 + 12 - 5 अपॉन ये हो जाएगा 15/5 इंटू 25 - 6 + 6 ये जाएगा 5 से 3 बार 5/3 प्लस 7 अपॉन 5 से जाएगा 5 times 15×5 = 75 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 7 * 21 = 21 = 26 26 हो जाए 3 × 75 तो ये आएगी 26/3×15 = 1 3 * 7 = 21 = 22 तो 26/225 इसकी वी की वैल्यू आएगी। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू होगी 10/3 + 26/225। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 225, 75 टाइम्स जाएगा 10 × 75 + 26 तो ये होगा 750 + 26/225 तो ये कितना हो जाएगा 6 7 और 7 776/225 जो कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन हो गए, इसमें मैंने डीआई के क्वेश्चन हटा दिए हैं क्योंकि उनको टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।